हरियाणा के सोनीपत जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोनीपत के गोहाना फ्लाईओवर के नीचे चालान काट रही पुलिस दस्ते के सामने ही एक युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। चश्मदीदों के अनुसार आरसी होने के बावजूद पुलिस उसकी बाइक को इम्पाउंड करने की बात कह रही थी। उसके बाद युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। बाइक जलने लगी और भीड़ का फायदा उठाकर युवक वहां से फरार हो गया। आग लगने के बाद बाइक चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। दरअसल गोहाना रोड फ्लाईओवर के नीचे पुलिस चालान काट रही थी कि तभी बाइक सवार एक युवक वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे कागजात दिखाने को बोला। इस पर बाइक सवार ने बाइक की आरसी दे दी, लेकिन पुलिस ने उसकी बाइक इम्पाउंड करने की बात कही। पुलिस की सख्त रवैये से नाराज और परेशान युवक ने रेडी वाले से माचिस मांगी और बाइक में आग लगा दी। और तो उससे कागज मांगे, उसके पास आरसी थी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। इस कारण उन्होंने पुलिस वालों ने ये कहा कि हम इस बाइक को आपकी को इम्पाउंड करेंगे। इम्पाउंड करने का देखो, इस तरह से देखा जाए तो आरसी के होते हुए इम्पाउंड नहीं की जा सकती बाइक। परेशान होकर तेज में आकर उसका अपनी बाइक में खुद उसने आग लगा दी। हमने कागज मांगे, उसने आरसी दी, उसके बाद उससे लाइसेंस मांग रहे थे। बोला लाइसेंस नहीं मेरे पास, बोला मेरे घरवालों को बुला देता हूँ। घरवालों को हम वेट करते रहे, एक घंटे तक वेट करते रहे, उसका नहीं आया। उसके बाद हमने कहा भैया आप कागज दिखाओ, नहीं तो चालान इम्पाउंड हो जाएगी आपकी। इतनी देर में उसने किसी दुकान रेड़े वाले से माचिस लेकर उसमें आग लगा दी। बहरहाल बाइक के मालिक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बाइक चोरी की थी या फिर आग लगाने वाले शख्स की है, अभी तक इसका खुलासा भी नहीं हो पाया। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना को लेकर पुलिस को जमकर कोसा है। पुलिस पर दादागिरी और बाइक सवारों पर रोप झाड़ने का आरोप भी लगाया। R9 TV के लिए सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट।